ये बैठक बहुत जरूरी है। वो चार दोस्तों की समोसे और चाय के साथ की बैठक की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं समोसों के बैठक की। कंफ्यूज्ड डोंट बी। तो क्या है समोसे की बैठक और क्या है वो हलवाई जैसे समोसे बनाने का राज, ये आपको आज सब बताऊंगी। अब इससे पहले कि आप कहें पंकज जी समोसे तो घर में बहुत बनाए हैं, मुझे ये बताइएगा क्या हलवाई जैसे समोसे घर में बन पाए हैं? नहीं ना? अब बन जाएंगे मेरे आज की 5 टिप्स के साथ। तो फिर क्या कहते हैं शुरू करें? अब समोसे बनाने के लिए दो ही चीज तो इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका मैदा लगाना और उसकी फिलिंग, सही गला। तीसरी चीज है समोसे की बैठक लगाना और चौथी चीज उसको तलना भी। यकीन मानिए तलना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, समोसे के डो के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब डो लगाने के लिए हमें चाहिए होता है मैदा, तो मैं ले रही हूं यहां पर 2 कप मैदा। और इस मैदे में पहले हम मिला लेंगे थोड़ा सा नमक 1/2 चम्मच, थोड़ा सा अजवाइन भी। अब ये अजवाइन जो है ना, आप अपने हाथ में लेकर इसे रगड़ करके तब ऐड कीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि ये बढ़िया सी फ्रेग्रेंट हो जाएगी और आपके डो में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें मोयन यानी कि घी। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि घी को ऐसे जमा हुआ घी नहीं ऐड करेंगे हम, मोयन के लिए हमेशा इस्तेमाल कीजिए पिघला हुआ घी। यानी कि घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाएगा और फिर उसको आप अपने मैदे में ऐड करेंगे। अब ये घी पिघला करके क्यों ऐड करेंगे भाई, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। पिघला हुआ घी जो है वो मैदे को अच्छे से कोट कर लेता है। और अगर चाहिए आपको खस्ता बढ़िया समोसे, तो ये मोयन लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मोयन लग चुका है, कैसे पता चलेगा? बस थोड़ा सा ये जो मैदा है अपने हाथ में उठाइए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब जब आप मुट्ठी खोलेंगे ना, तो ये लड्डू बना हुआ होना चाहिए, लड्डू बिखरना नहीं चाहिए। बस मोयन सही बैठ गया और इसका एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन, हम ये जो डो लगा रहे हैं ये डो कैसा होना चाहिए? कम पानी वाला, ज्यादा पानी वाला, नरम होना चाहिए कि स्टिफ होना चाहिए? तो समोसा बन रहा है, मठरियां नहीं बन रही हैं, ठीक है? इसलिए इसमें थोड़ा पानी भी जाएगा और इसे हम सॉफ्ट भी रखेंगे। यानी कि मेरी टिप नंबर 2 ऑफ द डे वो ये कहती है कि समोसे का डो बनाने के लिए अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका जो समोसा है वो ज्यादा क्रिस्प बनेगा। सच्ची आजमा के देख लीजिएगा। अब मैंने ना इंडिया के हर कोने में समोसे खाए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मद्रास हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, और जानते हैं सब में फर्क क्या होता था? ऑफ कोर्स समोसे के साइज का तो फर्क होता ही था, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, मैंने देखा कि उनके जो फिलिंग्स होती थी ना, उनमें बहुत डिफरेंस होता था। कहीं तो उसमें मटर मिलाई जाती थी, कहीं वो फिलिंग काले रंग की होती थी, कहीं उसमें पीनट्स भी ऐड किए जाते थे, और इसी के साथ साथ जो उसके साथ चटनी सर्व होती थी ना, वो चटनीस कहीं हरी चटनी, कहीं मीठी चटनी, कहीं कोई केचप भी पकड़ा देता था। तो डो को रेस्ट करने के लिए यहाँ छोड़ दिया है कम से कम 30 मिनट के लिए। ऐसा करने से ये डो जो है वो थोड़ा ढल जाएगा और इसको रोल करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आलू, नोट कर लीजिए यही अपनी टिप नंबर 3 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि आलू कभी भी गर्म इस्तेमाल मत कीजिएगा, इन्हें ठंडा करके, ठंडे आलू को काट करके तब इससे आप अपनी फिलिंग बनाइएगा। ऐसा क्यों? फॉर अ सिंपल रीजन कि ये जो ठंडे आलू होते हैं ना, जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, भुजका नहीं बन जाएगा इनका। दे विल रिटेन सम ऑफ देयर शेप और ये ज्यादा क्रिस्प भी फ्राई होंगे इसलिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं आलू को मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में,
बहुत बड़े पीसेस मैंने नहीं रखे हैं, ये देखिए कुछ ऐसे। चलिए जी, आलू भी कट गया हमारा। अब क्या करेंगे? अब इस आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कुछ मसालों के साथ। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा खड़ा धनिया और सौंफ उनको दगड़ लूंगी, यानी कि उनको थोड़ा सा कोर्स कर लूंगी। लो जी, ये भी हो गया और आलू भी कट चुके हैं। अब अदरक और हरी मिर्च लेके आते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 टेबलस्पून तेल। तेल जब हो जाएगा गरम, तो सबसे पहले तो ऐड करूंगी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। अब जीरा भी झटक जाने दीजिए। और तब ऐड करेंगे हम इसमें ये जो सारे मसाले हमने कूट करके रखे हुए ना, और इसके बाद जिंजर एंड ग्रीन चिलीज। अदरक मिर्च भी बढ़िया से अब फ्रेग्रेंट हो गए हैं। अब ऐड करते हैं हम इसमें ये कटा हुआ आलू। अब आलू को पैन में डाल दीजिए, पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद इसे ज़्यादा चलाइएगा मत, ताकि ये आलू जो है अच्छे से पहले क्रिस्प हो जाए। अच्छा, बहुत जगह ना आलू के साथ साथ इसमें मटर भी ऐड की जाती है, बहुत जगह नहीं भी की जाती, जैसे कि पंजाबी समोसों में नहीं की जाती है, इसी तरह से बंगाल में भी आपको मटर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे लखनऊ के समोसों में ज़रूर इसमें मटर मिलेगी। तो मैं भी डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ी सी मुट्ठी भर के मटर। अब ये जो मटर है ना, बिकॉज आई एम यूजिंग फ्रोजन मटर, तो इसीलिए मैंने इसे पहले कुक नहीं किया है। अगर आप ताज़ी मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरक और मिर्च के साथ पहले उस ताज़ी मटर को भून लीजिएगा, तब उसके बाद आलू डालिएगा, ठीक है? तो जब तक हमारा आलू भुनता है, हम ऐसा करते हैं, हमारा दो जो अभी तक रेस्ट कर चुका होगा ना, उसे ले आते हैं और फिर इसको 2 मिनट के लिए और नीट करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। दिस ऑल्सो डन। अब ये आलू जो इतने बढ़िया से भून चुके हैं, देखिए, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना बढ़िया ये आलू भून गया है ना। अब इस आलू में मिलाते हैं थोड़े सूखे मसाले, और सूखे मसालों के साथ भूनते भूनते हम इसको थोड़ा सा क्रश करना शुरू कर देंगे। आप ऐड करेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच खटाई पाउडर, और पहले इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। मसाले भी बढ़िया से भून गए हैं, अच्छी सी खुशबू आ गई है, और इसी के साथ साथ आलू भी थोड़ा सा क्रश हो गया है। अब गैस को करते हैं बंद। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया, और इसी के साथ साथ पुदीना की पत्ती भी, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आलू को होने देते हैं हम ठंडा, और तब तक ये सारी जो पूड़ियाँ हैं इनको बेल करके रख लेते हैं। समोसे की जो पूड़ी है उसे थोड़ा सा बड़ा बेलेगा, और इसी के साथ साथ थोड़ा पतला भी, और इसी के साथ साथ थोड़ा लंबा भी। क्यों? बीच में से कटेगा, बड़ा इसलिए चाहिए ताकि आप समोसे में अंदर अच्छे से फिलिंग भर पाएँ। पतला इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप इसे बेलते जाएंगे ना, ये वापस से श्रिंक करता जाएगा, मैदा है ना इसलिए। समोसा हमारे हिंदुस्तान का नेशनल स्नैक है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत होगा, बताइए? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह समोसा आपको हर सड़क पे ज़रूर मिलेगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जो समोसा है ये हिंदुस्तानी नहीं है। सच्ची, यकीन मानिए, समोसा आया है जानते हैं कहाँ से? मिडल ईस्ट से। वहाँ समोसे को जाना जाता है अलग अलग नाम से, जैसे समसा, सम्बोसेक, साम्बोसेक, ठीक है? तो चाहे वो इथोपिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे हो वो मिडल ईस्ट, समोसे के दीवाने आपको हर जगह मिलेंगे। चलो जी, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे? पहले ये जो हमने पूड़ियाँ बेल करके रखी है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, इनको बीच में से आधा काट करके रख लेंगे, ताकि हम अपने समोसे की कोन्स बना सकें। हमारी एनकेसिंग्स भी बन गई। अब बारी आती है वो तीसरे पॉइंट की जो मैंने आपको बताया था, और वो क्या है? समोसे की बैठक। तो समोसे की बैठक क्या होती है ये समझते हैं। देखिए, जब भी हम समोसा फिल करते हैं ना, तो फिल करने के बाद उसको बिठा दिया जाता है। कैसे?
वो तो जब मैं फिलिंग करूंगी आपको तभी पता चलेगा। अभी हमको बना लेना है मैदे का एक घोल, जिसके लिए एक चम्मच मैदा मैं मिला लूंगी थोड़े से पानी में। अब शुरू करते हैं इसकी स्टफिंग। उसके लिए आप ये जो हाफ पूरी है इसे थोड़ा सा पहले स्ट्रेच कर लीजिए और इस पे पहले हम लगा लेते हैं ये मैदे का घोल हर तरफ से। अब क्या करेंगे, ये दो जो एंड्स है ना इनको हम एक के ऊपर एक लेके आएंगे टू मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस। ओके, अब इसे पिंच करके आप पहले सील कर दीजिए। इसी के साथ साथ ये जो नीचे कॉर्नर है ये इसको जरूर पिंच कर दीजिएगा ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। नाउ अपने हाथ का एक सर्कल बनाइए और इस सर्कल में पहले इस कोन को फिट कीजिए। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे, लेकिन इकट्ठी सारी स्टफिंग आपको नहीं ऐड करनी है, आपको स्टफिंग इसमें ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी करके। तो पहले थोड़ी स्टफिंग ऐड कीजिए, उसे नीचे पुश कर दीजिए और फिर इसके ऊपर बाकी की स्टफिंग ऐड करेंगे। आफ्टर द स्टफिंग हैज बीन फिल्ड, अब हम क्या करेंगे, एक तरफ तो ये जॉइंट है, अब ये जो दूसरी साइड है ना यहां पर हम एक प्लीट बनाएंगे लाइक दिस, एक फोल्ड डालेंगे इसमें। ठीक है, अब ये फोल्ड डालने के बाद आप इसको पहले एक तरफ से यूं पिंच करके फोल्ड कर देंगे, दूसरी तरफ से पिंच करके फोल्ड कर देंगे। अब इनको आप इकट्ठे फोल्ड कर दीजिए और फिर ये देखिए समोसा आपका बैठ गया, और इसी को कहते हैं हम समोसे की बैठक। और ये जरूरी है अपने समोसे की परफेक्ट शेप लाने के लिए, तभी तो बनेंगे ना ये हलवाई जैसे समोसे, नहीं तो ऐसे लगेगा किसी ने आटे में बस आलू भर के बस फोल्ड कर दिया। वैसे नहीं, हमें चाहिए परफेक्ट समोसे हलवाई जैसे। तो ऐसे ही और समोसे भर लिए जाएं। जैसे जैसे समोसे भरते जा रहे हैं मैंने सोचा यहाँ पर तेल भी चढ़ा दिया जाए ताकि तेल भी हल्का हल्का गर्म हो जाए। चलिए भाई सज गई हलवाई की दुकान और बनने जा रहे हैं यहाँ पर समोसे। अब टिप नंबर 4, आपका तेल इस वक्त कैसा होना चाहिए? तेल इस वक्त आपका गरम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको समोसे फ्राई करने के लिए डालने हैं लो टू मीडियम हॉट ऑयल में, गरम तेल में कभी नहीं, नहीं तो जानते क्या होगा, समोसों पे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, फफोले बढ़ जाएंगे इनकी स्किन पे। इसलिए तो हलवाई जैसे खस्ता समोसे बनाने की एक और टिप, आज की फाइनल टिप, वो भी जान लीजिए। और वो ये है कि हलवाई जानते हैं क्या करते हैं, वो हाफ डन समोसा को पहले तल के निकाल के रख लेते हैं। यानी कि अगर आप जाते हैं उनकी दुकान पर और कहते हैं भैया समोसे दे दीजिए, तो वो ये हाफ डन समोसे डालते हैं फिर से कढ़ाई में, उनको रीफ्राई करते हैं और तब आपको देते हैं। और यकीन मानिए यही है इन समोसों के क्रिस्प होने का असली राज। आप भी ट्राई कीजिएगा और क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे परा लीजिएगा। तो ये देखिए फर्स्ट फ्राइंग हो गई, अब इसे देख के बताइए इस पे कहीं पे भी वो बबल्स पड़े, वो जो फफोले जैसे आ जाते वो आए नहीं आए ना। बस अब इनको दोबारा हम डालते हैं फ्राइंग के लिए, रीफ्राई करते हैं जब तक ये बढ़िया से गोल्डन नहीं हो जाते, और तब गर्मा गर्म चाय के साथ लेते हैं समोसों का मज़ा। लीजिए भाई समोसों का पहला बैच तो हो गया फ्राई, अब आप भी इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके घर वालों को मेरे खास टिप्स के साथ ये खास वाले बैठक वाले समोसे कैसे लगे।